साहब हाथ लगे, 1 2 3 जोर से खींचिए और इसको उतार दीजिए। और बहुत अच्छा एक्टर है आप, जब फिल्म देखोगे या ट्रेलर देखोगे इसकी जो एक्टिंग है बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी बात है हमारे बीच में बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं, बहुत जल्दी इनके गाने भी रिलीज होंगे आपको सुनाई देंगे। तो तीन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे थे और बहुत सपोर्टिंग थे सब मेरे, ये सारे सीन में बहुत सपोर्ट किया मुझे आर्यन भाई ने, अनिल सर ने, पीयूष भाई ने, तो बहुत अच्छा लगा काम करके। थैंक यू सर। अनिल जी ये आपको डांटने वाटते थे सर? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डांटते, ये बात तो मैं मान नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे तो 4 बार झगड़े हो जाते हैं। पीयूष जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके, आपका बेसिकली आपके ज्यादा से ज्यादा सीन आर्यन के साथ रहे हैं तो बेसिकली पूरी फिल्म में ही यहाँ पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्टर के साथ या अपने को एक्टर के साथ? डायरेक्टर अनिल शर्मा जी के साथ मेरा पुराना सालों का ताल्लुकात है तो बतौर निर्देशक उनको मैं पहले भी बहुत, पर इस फिल्म की जो खासियत है माई गड़बड़ हो गया, इस फिल्म की जो खासियत है वो कहानी चूँकि आपको नहीं बता सकते पर ये फिल्म हमारे समाज को सभी को देखनी चाहिए क्योंकि तो जिनको हम अपराधी मानते हैं वो तो दिखते भी हैं अधिकतर, पर वो समाज जो व्हाइट कॉलर होती है शायद उनका पर्दाफाश पहली बार किसी फिल्म में हो। थैंक यू, थोड़ा सा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तंबू साहब हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। नाम नमन साथी हैं और यहाँ पर बहुत व्यक्तित्व जितने भी हैं और हमारे मीडिया के प्रमुख बहन बेटियाँ सब जो है सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कुरुक्षेत्र की भूमि से हैं। देखिए ये फिल्म जो है इसकी कहानी जो मैंने सुनी थी, अब जब लोगों के बीच में जाएगी ये इतना बड़ा संदेश है, शायद ये आज तक किसी फिल्मकार ने इस सब्जेक्ट को नहीं उठाया, नहीं चुना, क्या हालात रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि देश में पूरे विदेशों में भी और पूरी जहाँ मानव जाति के जहाँ बच्चे हैं और परिवार हैं वहाँ तक इसका बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा। लेकिन चूँकि अभी हम बंधन है हमारा नहीं बोल पाएंगे कुछ, आप जरूर देखिएगा और हमारे दोनों सभी साथियों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, कलाकारों के साथ हैं, तो मेरा इतना कहना है इस फिल्म को जरूर देखिएगा, प्रमोट भी जरूर करिएगा, जब रिजल्ट आएंगे तब देखिएगा। नमन, धन्यवाद। थैंक यू पप्पू जी। और इसी के साथ जैसे कि आपने इतनी देर से सुना है कि अब इस फिल्म के जो गाने लिखे गए हैं सिचुएशनली जो इस फिल्म में बीता है वो हमारे शकील आजमी साहब ने किया है, तो आप उन लिरिक्स के बारे में बताइए कैसा कैसा अनुभव रहा इसमें पूरा काम करके टीम के साथ। लेकिन इस फिल्म में 4 गाने हैं और चारों गाने सिचुएशन के हिसाब से, हमारे जो डायरेक्टर हैं अनिल जी इन्होंने सिचुएशन के हिसाब से लिखवाए और लिखने के बाद इसकी धुनें बनी हैं और इस बात का भी श्रेय मैं कौशल महावीर को देता हूँ कि इन्होंने कहीं से कोई ट्यून नहीं उठाई और उस पर कुछ नहीं लिखवाया, बल्कि पहले शब्द लिखे गए जो पहले का तरीका हुआ करता था और फिर बाद में कौशल ने इन गानों को कंपोज किया। गाने सारे सिचुएशन के मुताबिक हैं, फिल्म का हिस्सा है, फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खास तौर से इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वो पूरी फिल्म की कहानी बयान करता है चंद लफ्जों में और बहुत ही कमाल का वो गाना है जिसे कौशल ने कंपोज किया है और मोहित चौहान ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाना है वो, आएगा थोड़े दिनों में तो आप लोग सुनेंगे।
और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म में काम करके। इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे कुछ मुख्तलिफ कुछ अलग लिखने का मौका मिला। ये गाने रूटीन के नहीं हैं, इनमें जो शब्दावली है वो उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक थोड़ा लिटरेचर से भी है, साहित्य से भी है। तो ये जिस तरह के गाने चल रहे हैं एक जैसे, उनसे ये गाने हटके हैं और इंशाल्लाह पसंद किए जाएंगे, आपको अलग भी दिखेंगे और अच्छे भी दिखेंगे। आपको एक बात और बता देते हैं कि इस फिल्म के जो पोस्टर डिजाइन हो रहे थे तो बहुत कॉमर्शियली डिजाइन हुए। प्रिंट वाले के लिए अच्छा फोटो देखिए, मेरा मानना ऐसा है, जुल्मों की किताबें सदियों से लिखी गई हैं, जुल्म होते आए हैं। इस फिल्म के माध्यम से प्रयास यह है कि जुल्म की किताब सफ़ेद हो जाए, जुल्म की किताब सफ़ेद हो जाए। वो जुल्म सहना जो विकल्प था, लाचारियाँ थी, कोई लाचार ना रहे, बेबस ना रहे, बेदार ना रहे, बस इतनी सी बात है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सफ़ेद पोश जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आप हम कोई भी नहीं पहचानते हैं, और वही सबसे बड़े कारण होते हैं जो मासूमों को पागल होने की हद तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारी कहानी कुछ उसी के ऊपर है, और ये हर उस इंसान को देखना चाहिए जो चाहता है जानना कि इस आदमी के ऐसे होने के कारण क्या है। आर्यन एज एन एक्टर, आर्यन आप ये कह सकते हैं कि ताजे हैं बतौर अभिनेता, पर जैसी उम्मीद नहीं तो उससे कहीं बेहतर काम किया है। आप जब देखेंगे तो आप शायद उस किरदार के साथ डूब जाएंगे और शायद आपके आंसू भी निकले। बताया जैसे सचिन साहब ने इससे पहले कि नाइंसाफी है उसका, अधर्म है उसका, मतलब ये एक बच्चे के ऊपर बेस कहानी है। कई तरह के अधर्म होते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर एक अधर्म हुआ है जो इस फिल्म में है बेदार में। और इस फिल्म को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगन लगी है पूरी टीम की है, मैं अकेला इस फिल्म को बना नहीं पाता। और मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आता, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वो फिल्म बोलेगी मेरी, और वही है बेदार। अगर उसने बोला तो समझिए मेरी जीत है, अगर उसने नहीं बोला तो मेरी हार। थैंक यू। सवाल तुमने पिछले 3 सालों से मुझे पूछ के, देखिए बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करते हैं जो इस सब्जेक्टिव फिल्म होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं है, ये माउथ ऑफ पब्लिसिटी से चलने वाली फिल्म है, तो इसको 350 सिनेमा से हम ओपन कर रहे हैं ऑल इंडिया में, प्लस 350 सिनेमा हम इसके तमिल तेलुगू में भी कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा एडवेंचर है। इसको डब लैंग्वेज भी कर रहे हैं, तमिल तेलुगु, और आगे भी और 2-3 लैंग्वेज में हम लोग, हमारी प्लानिंग है इसको रिलीज करेंगे। फिल्म एक्चुअली फेस्टिवल में तो बहुत ही अच्छा की है, क्या लगता है ये फेस्टिवल और कमर्शियल में की बात करते हैं तो क्या फ़र्क आ जाता? ज़्यादा फर्क नहीं है कि फेस्टिवल फिल्म और कमर्शियल फिल्म, अगर कमर्शलाइज मतलब ये हो गया कि स्टार आपके जिसमें स्टार नहीं है और आपकी फिल्म को हॉट करनी है तो उसको आप फेस्टिवल में भेजते हैं। फेस्टिवल से लौटने के बाद यहाँ कुछ मिला है तो शायद हिंदुस्तान की नज़रों में आती है, वो फिल्म रजिस्टर होती है कि हाँ इस फिल्म में कुछ तो है तो देखना चाहिए। ये हो गया, हिंदुस्तान के जो ऑडियंस है वो सिर्फ स्टार ही दिखाई देता है उनको, छोटी फिल्म या कोई ऐसी फिल्म है जो बहुत कमाल की फिल्म है वैसे फिल्म रह जाते हैं पीछे। और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जितने भी लॉबी हैं वो स्टार बेस है, क्योंकि बिजनेस हो गया। अब फिल्म वो नहीं रही जो फिल्म से जो मैसेज मिलता था, वो मैसेज नहीं रह गई, अब फिल्म बिजनेस हो गया। और हमारे हिंदुस्तान के ऑडियंस भी ऐसे हैं जो 3 घंटे इंजॉय करने जाते हैं, वो दर्द लेने नहीं जाते हैं, तो दर्द वाली फिल्में बहुत इसलिए कम आती है। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन क्या रोल है?
मेरा नाम तीर्थ है और मेरे कैरेक्टर का नाम रुद्र है और बहुत अच्छा लगा मूवी करके। चलो बड़े आगे ना भी सबके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, सब एकदम सपोर्टिंग थे और अगर मुझे कुछ होता था तो पूरा शूटिंग रोक देते थे। और आर्यन भाई के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। आर्यन जी आप बताइए, मेरा बेसिकली करेक्टर जो है उसमें सारा एक बच्चा होता है, उस बच्चे का जो रोल प्ले किया है तीर्थ ने बहुत अच्छा प्ले किया, रुद्रा छोटा रुद्रा ये बड़ा रुद्रा मैं, तो बहुत अच्छा था तीर्थ के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी उनका थॉट प्रोसेस था, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो आई डोंट नो मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये ट्रू स्टोरी है जो डायरेक्टर साहब ने उठी लिखी है, सच बोलूँ तो उन पर ही बेस्ड एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है ये। और जो रोल प्ले किया तीर्थ ने बहुत ही बहुत अच्छा किया, वो मेरे को बूस्ट अप हमेशा उसने किया, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मेरे को एक बूस्ट अप मिलता था तो फिर उसी हिसाब से मैं भी अपनी एक्टिंग करता था, तो काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करके। सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे तरह से पीयूष सोनी सर हुए बहुत अच्छा काम किया, ऋतु पांडे मैंने भी बहुत अच्छा काम किया, पहली मूवी थी बट नो डाउट अच्छा काम किया दोनों भी काफ़ी। अरे फिल्म में हीरोइन नहीं है, थोड़ा दुख हो रहा है उसका? नहीं नहीं मेरे को हीरोइन नहीं उसका दुख नहीं हो रहा, मेरे करेक्टर इतना अच्छा मिला, इतना चैलेंजिंग था, वो मेरे लिए हीरोइन था तो मेरे को उसको एंजॉय करने में ज़्यादा मजा आ रहा था, घंटे अल्लाह की मैं हीरोइन को एंजॉय कर लूँ। ये बेसिकली एक मैसेज है एक बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार के ऊपर एक ये मूवी है, जो पूरी डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं, और मैं पूरा नहीं खोल सकता क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड मूवी है, अगर मैं पूरा खोलूँगा तो वो आप एक बार देखो पूरा सस्पेंस देखो और आपको बहुत पसंद आएगी। म्यूजिक के बारे में क्या, म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक उसका नो डाउट बहुत अच्छा है, शकीर भाई बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो उनके एक लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, जो वो लिखते हैं बड़ा मीनिंगफुल लिखते हैं, तो उन्होंने एक एक वर्ड जो लिखा है, एक एक गाना जो लिखा है बड़ा मीनिंगफुल है, एक एक दर्द बयां करता है पूरे करेक्टर का, चाहे आप बेदाद का टाइटल ट्रैक सुनो या जो भी सुनी थी मैडम, दो गाने गाए एक नीलम बत्रा ने गाने गाए, आप वो चारों गाने एकदम मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं और कौशल महावीर ने भी उनको बहुत अच्छा सराहा, बहुत अच्छा कंपोजिशन करी है उनकी, तो ओवरऑल मतलब अच्छा लगा काम करके। एक चैलेंजिंग टास्क था ये करेक्टर प्ले करना, सडनली साइको होना, बच्चा बनना, मैच्योर होना, रिवेंज वो सब कुछ करना, तो बड़ा चैलेंजिंग था और मेरे को सपोर्ट करता हमेशा तीर्थ सपोर्ट करता रहा क्योंकि वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था साथ में। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जानते हैं कि बेदाद का मतलब जो होता है वो नाइंसाफी है, जो बता चुके हैं। फर्स्ट लुक था, हमें बहुत काम करके मज़ा आया क्योंकि अनिल जी का नरेशन, उनकी बातचीत, उनका अपना थॉट प्रोसेस जो था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि हमें एक्चुअली क्या करना है। और काम करते समय जब हम तीनों जन बैठे हुए थे, अनिल जी, शकील जी एंड मायसेल्फ, तो ये था कि हाँ हमें बहुत अच्छा काम करना है। और क्योंकि पहले पोइट्री लिखी गई, पहले गाने लिखे गए, फिर हमने कंपोज किया, क्योंकि मैं उसी थियरी को बिलीव करता हूँ और मैं उसी थियरी में काम भी करता हूँ, तो बड़ा मज़ा आया। और जल्द ही अब इसके बाद गाने लॉन्च होंगे और ट्रेलर लॉन्च होगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप ज़रूर इसको देखें भी, सुने भी, और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस है जो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि ये एक्चुअली बेदाग क्यों है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और थैंक यू सर। अब ये बेदाग क्यों है, ये फिल्म ये सवाल भी उठाती है बार बार, और जो टाइटल सॉन्ग है इसका उसमें भी ये सवाल खड़ा किया गया है, ये सवाल पैदा किया गया है कि बेदाग क्यों है। जैसे कि कौशल ने बताया कि बेदाग का मतलब नाइंसाफ़ी, अत्याचार। मैं उर्दू का आदमी हूँ, उर्दू साहित्य का आदमी हूँ, इसके बावजूद मुझे ये कहने में कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि मैं खुद बेदाग का मतलब नहीं जानता था। मुझे भी लुगत देखनी पड़ी, डिक्शनरी देखनी पड़ी कि बेदाग का मतलब क्या होता है।
तो ये एक उर्दू लफ्ज है, और जैसे दाद देना, दाद मतलब किसी चीज़ की दाद देना, उसके साथ इंसाफ करना, और बेदाद ना इंसाफी। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि इस के सारे गाने सिचुएशन पर लिखे गए हैं, कोई भी रेडीमेड गाना उठा के नहीं, फिल्म में नहीं डाला गया है। ये सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये फिल्म एक कहानी कह रही है, और बहुत अहम कहानी है वो, और जो चारों गाने हैं वो फिल्म की कहानी का हिस्सा है। मतलब हम फिल्म डायलॉग में बताते हैं, और गाने जो होते हैं वो कई तरन्नुम में फिल्म को बयान करते हैं वो। तो ये जो चारों गाने लिखे गए हैं सिचुएशन पर लिखे गए हैं, और फिल्म की कहानी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, फिल्म के किरदार को, फिल्म की कहानी को नज़र में रखते हुए गाने लिखे गए हैं। और एक अहम बात यह है कि इसका कोई भी गाना ट्यून पे नहीं लिखा गया है। आजकल क्या होता है कि पहले धुन बन जाती है, फिर उसके ऊपर अल्फाज फिट किए जाते हैं। मेहनत भी कम करनी पड़ती है। हाँ, शायद इसमें ज़्यादा ऑप्शन लिखने पड़ते हैं। हो सकता है कि एक जो मुखड़ा लिखा गया है उसकी धुन ठीक से नहीं बन पाई, या डायरेक्टर को समझ में नहीं आया तो दूसरा मुखड़ा भी लिखना पड़ता है, तीसरा भी लिखना पड़ता है। इसमें लिरिसिस्ट का काम बढ़ जाता है। एक बार ट्यून जब फाइनल होती है तो उसमें हमारी मेहनत शायद कम होती है, लेकिन ट्यून पे लिखना अपने आप में खुद एक एक कुश्ती है, एक बड़ा चैलेंज है। तो इसकी ये बहुत ख़ास बात है कि इसके सारे गाने सिचुएशन पर लिखे गए हैं, कहानी में रहते हुए लिखे गए हैं, और हर गाना पहले लिखा गया, पहले अल्फाज आए, उसके बाद उसको उसके बाद उसको कंपोज किया गया, उसको तरन्नुम दिया गया, और यही तरीका था पहले का। कौशल महावीर बहुत बड़े म्यूज़िक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी उम्र छोटी बहुत है, लेकिन इनके पीछे कई पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो म्यूज़िक का तजर्बा रखती हैं, और वो तजर्बा इनके खून में है, जो इनको विरासत में मिला है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, जिस तरह फिल्म भी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे हमें तो एक नई पोइट्री